अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का अगला लेक्चर जो है वो लास्ट टाइम हमने डी मॉर्गन्स थ्योरम की स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ी थी। आज हम डी मॉर्गन्स थ्योरम की स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ेंगे। ये स्टेट करती है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल्स इन ए सम टर्म। ये दो वेरिएबल्स हैं, इनका जो सम हो रहा है उस पर जो कॉम्प्लीमेंट है इज़ इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। ये देखें, ये इंडिविजुअल एक्स इंटू वाई और इन दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट है उसके बराबर होगा। कैसे हम इसको साबित करेंगे? थ्रू अ ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल मैंने कुछ पहले लिख लिया है। फोर से जो दो वेरिएबल्स हैं हमें इतने चाहिए एक्स प्लस वाई, तो काउंटिंग लिखेंगे जैसे बाइनरी नंबर में लिखते हैं 00 01 10 एंड देन 11। 00 को जब उल्टाएंगे ये 0 क्या हो जाएगा 1, y क्या हो जाएगा 1। दिस 0 बिकम्स 1 एंड दिस 1 बिकम्स 0 बिकॉज कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है। 1 विल बिकम 0 एंड 0 विल बिकम 1 एंड बोथ 1s विल बिकम 2 0s। सिंपल हो गया। अब हम देखेंगे x प्लस वाई अगर इन दोनों को हम जमा करते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है। 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1। अगर इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ जाए मुझे तो मैं ऊपर बार लगाऊंगा, क्या हो जाएगा 0 1 0 0 एंड दिस विल बिकम 0। अगर मुझे कहा जाता है कि x इंटू वाई का मल्टीप्लाई कॉम्प्लीमेंट लें अलहदा अलहदा का, फिर 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 एंड 0 इंटू 0 0। आपने यहाँ पर बड़े गौर से देख लिया कि ये और ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, कोई इन दोनों में आंसर में फ़र्क नहीं है। इसलिए डी मॉर्गन्स थ्योरम बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि x प्लस वाई का जो कॉम्प्लीमेंट है दैट इज़ इक्वल टू x इंटू वाई बोथ का कॉम्प्लीमेंट। थैंक्स फॉर दिस लेक्चर। इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अगर कोई क्यूरी हो तो आप लाजमी उससे रब्ता कीजिए। अल्लाह हाफिज़।